रविदास जी महाराज की ख्याति बड़ी ऊंची हो रही। राजा पिप्पा, उन्होंने कहा रे दरबार में गुरु रविदास जी महाराज को बुला करके लाओ। महाराज को बुलावा भेजा, महाराज ने कहा कोई बात नहीं, अगर राजा ने बुलाया तो मैं उनको बुलावे को स्वीकार करता हूं। गुरु रविदास जी महाराज ने उनके बुलावे को स्वीकार किया। समय अनुसार गुरु रविदास जी महाराज वहां गए। जब गए जाकर के राजा पिप्पा ने इतना अच्छा आसन जिसमें हीरे लाल जड़े हुए थे, रतन जड़े हुए थे, मेरे गुरु इस पर आकर के बैठेंगे उनको सम्मान दूंगा, वो बिछा दिया। महाराज बैठे, बैठ करके जो भी उनको खाना था पीना था जो सेवा करनी थी की, महाराज उठ के चल दिए। जब उठ करके चल दिए महाराज, पिप्पा कहता है महाराज ये जो आसन है ये आपका है, इसे लेकर के जाओ, मैंने आपको भेंट कर दिया। देखना चाहता था कि महाराज रविदास जी वास्तव में संत हैं या लालची हैं। महाराज ने उसको इकट्ठा किया, बगल में दे के चल दिए। दो आदमी पीछे पीछे लगा दिए, जाओ देख करके आओ इसका क्या करता है रविदास, बड़ी ख्याति है इसकी, इनको निर्मोही है लालचीनी है। संत चले जा रहे, जाते जाते एक तालाब आया, उस तालाब के पास गए, निकाल के उसमें फेंक दिया। जब निकाल करके उसमें फेंक दिया, जो उसके सिपाही थे उन्होंने आके बताया महाराज जो आपने भेंट दिया था रविदास जी महाराज को वो तो उसने तालाब के अंदर फेंक दिया। अच्छा उनको हाँ बुला के लाओ। फिर से लेकर आए, रविदास जी मुझे कुछ नहीं कहना आपसे, मैंने जो आपको आसन भेंट किया था मुझे वो आसन चाहिए, मुझे वापसी चाहिए। महाराज ने कहा अच्छा, बोले चल फिर खड़ा हो। चला गया जाकर के उसी तालाब के पास गया, जाकर के कह दिया जा जोन सा तेरा है निकाल कर लेकर। राजा उस पानी के अंदर गया, जाकर डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके जब देखा उसके अंदर सात आसन पड़े हुए थे, उठाया नहीं, वापसी आ गया। बोले महाराज मुझे नहीं पता मेरा कौन सा, उसके अंदर तो ऐसे ऐसे सात हैं। बोला राजा यही तो तेरी कम बुद्धि है, मैंने तो तेरे लिए, तेरे मेरा सम्मान किया, मैंने तेरे लिए उस मालिक से दुआ करी, तू बढ़िया राजा है, ये पीढ़ी ये जो तेरी गद्दी है ये तेरी सात पीढ़ी तक ऐसे ही बनी रहे, लेकिन गलती तू कर गया।